थोड़ा सा मतलब बता दो खास अहम भाई। आशिक़े हैदर का ये मैं यार होना चाहिए, हर एक आशिक़े हैदर का ये मैं यार होना चाहिए, एक एक हजार की जिम्मेदारी है। आशिक़े हैदर का ये मैं यार होना चाहिए, और मुफलिसी में भी उसे खुदार होना चाहिए। सब तमाम जो बता रहे हाथ पेश कर रहा हूँ, आशिक़े हैदर का ये, सब आशिक़े हैदर बैठे हुए अपना सबूत दे हाथों को बुलंद करके, आशिक़े उसने मतलब पेश कर रहा हूं बकरी भाई देखे साथ बतौर खास कि यूं यूं चिरागे जिंदगी सो बार होना चाहिए, बुजुर्ग से दुआ चाहता हूं, यूं चिरागे जिंदगी सो बार होना चाहिए, अरे दिल में इश्क से बिलखुसूस नज़र कर रहा हूं, जिस मकसद से बैठे हुए अपनी शनाख्त आप हजरात मुंह खोल के दांत दे के इजहार करके बताइएगा। अब शेर में पेश कर रहा हूं, देखता हूं कौन हजरात किसके पाले का है, बतौर खास पेश कर रहा हूं फकरी भाई। आशिक़े हैदर का ये मैं यार होना चाहिए, कि कातिले शबीर से नफरत अगर है आपको, शबीर से नफरत अगर है आपको, अरे कम से कम इस बात का इजहार होना चाहिए। आशिक़े हैदर सब मिल के बोले, अरे हैदरी, आशिक़े हैदर का ये मैं यासिर भाई यार होना चाहिए, अगर वहां मेरी आवाज पहुंची तो वहां से मैं दाद चाहता हूं, बताओ साहब। आशिक़े हैदर का ये मैं यार होना चाहिए, कातिले शबीर से नफरत अगर है आपको, खुदा के मुझे अपनी अपनी शियत पे गुरूर है, फख्र है, नाज है, और मौला के अज़दार पे शेर नज़ कर रहा हूं आपके सवालों के वाले, आपकी अदालत में पेश करूं बतौर खास। मौला फरमाए कि जो बशर शबीर की उल्फत का दावेदार है, बतौर खास जो बशर शबीर की उल्फत का दावेदार है, शेयर नज़र कर रहा हूं।
मेरे माँ के हक में दुआ दे देना। सरकार देखिए जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अनवर साहब बहुत दूर बैठे हुए, मैं उनसे भी दुआएं चाहता हूँ, कुर्सी में बैठे हुए तमाम हजरात से। आशिके हैदर का ये में यार होना चाहिए। सरकार देखिएगा शायद भी बतौर खास कि माए माए बच्चों को सुनाए लोरियों में या अली। माए बतौर खास हजरात माए बच्चों को सुनाए लोरियों में या अली। अरे बच्चा बच्चा मी समय तमार होना चाहिए। हाँ सब मिल के बोले मौला के चाहने वाले, दोनों हाथों को बुलंद करके जिंदाबाद पाइंदाबाद, दोनों हाथों को बुलंद करके जिंदाबाद हैदरी। आशिके हैदर का ये में यार होना चाहिए। और ये भी शेर बतौर खास पेश करो, दुआ दे दीजिएगा फकीर की खिदमत में, बतौर खास पेश करूँ मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा, मैं मौला का फकीर हूँ, आप सबकी दुआओं का तलबगार, बतौर खास पेश करूँ। शाहिद भाई देखिएगा कि बस नमाजें ही तुम्हें जन्नत न दिलवा पाएगी। बस दूसरा मिसरा, बस नमाजें ही तुम्हें जन्नत न दिलवा पाएगी, बस नमाजें ही तुम्हें जन्नत न दिलवा। आशिके हैदर का ये में यार होना चाहिए, आशिके हैदर का ये में यार होना चाहिए, मुफलिसी में भी उसे खुदार होना चाहिए। आशिके तशद्दुद का धुआं उठ रहा है हर तरफ, ज़ुल्म तशद्दुद का धुआं, अरे अब तो मेरी कौम को बेदार होना चाहिए। आशिके हैदर का ये में यार होना, शेर पेश करो उस्ताद बतौर खास पेश करो आखिरी बतौर खास जहां जब इजरात है कि सानिये जहरा ने आबिद से कहा ए लाडले, महसूस करें सानिये